भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान असम के राज्यपाल श्रीमान जगदीश मुखी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, मंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा जी, श्री हगरामा मोहिलरी जी, संसद में मेरे साथी विश्वजीत दायमारी, विभिन्न बोडो संगठनों से जुड़े नेतागण यहां उपस्थित, एनडीएफबी के विभिन्न गुटों के साथीगण यहां आए, सम्मानीय महानुभाव और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुलुम बाय नोथा मोनहा माबोरेदा, नोथा मोनहा गोजोनबायना। मैं असम बहुत बार आया हूं, यहां पर भी आया हूं। इस पूरे क्षेत्र में मेरा आना जाना कई वर्षों से रहा है, कई दशकों से रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बार बार आपके दर्शन के लिए आता रहा हूं, लेकिन आज जो उत्साह, जो उमंग आपके चेहरे पर देख रहा हूं, वो यहां के ओरोनाई और डोखोना के रंगारंग माहौल से भी अधिक संतोष देने वाला है। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में बहुत रैलियां देखी हैं, बहुत रैलियों को संबोधित किया है, लेकिन जीवन में कभी भी इतना विशाल जनसागर देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। जो लोग राजनीतिक जीवन के पंडित हैं, वो जरूर इसके विषय में कभी न कभी कहेंगे कि आजादी के बाद की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोई पॉलिटिकल रैली हुई तो आज ये विक्रम आपने प्रस्थापित कर दिया है, ये आपके कारण हुआ है। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, हेलीकॉप्टर से भी कहीं नजर पहुंचाओ लोग ही लोग दिख रहे थे। मैं तो देख रहा था उस ब्रिज पर कितने लोग खड़े हैं, कहीं कोई गिर जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा, इतने लोग खड़े। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में जब आशीर्वाद देने आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में यहां की माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, तो मेरा विश्वास और बढ़ गया है। कभी कभी लोग कहते हैं, डंडा मारने की बातें करते हैं, लेकिन जिस मोदी को इतने बड़ी मात्रा में माताओं बहनों का सुरक्षा कवच मिला हो, उस पर कितने ही डंडे गिर जाएं, उसको कुछ नहीं होता। मैं आप सबको नमन करता हूं, माताओं बहनों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवानों, मैं आज दिल की गहराई से आपको गले लगाने आया हूं।
असम के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को एक नया विश्वास देने के लिए आया हूं। कल पूरे देश ने देखा है किस प्रकार से गांव गांव आपने मोटरसाइकिल रैलियां निकाली, पूरे क्षेत्र में दीप दिए जला करके दिवाली मनाई। शायद दिवाली के समय भी इतने दिए जलते होंगे कि नहीं जलते होंगे वो मुझे आश्चर्य होगा। मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया में भी चारों तरफ आपने जो दिए जलाए उसके दृश्य टीवी में सोशल मीडिया में सब दूर नजर आ रहे थे। सारा हिंदुस्तान आप ही की चर्चा कर रहा था। भाइयों बहनों, ये कुछ हजारों लाखों दिए जलाने की घटना नहीं है, बल्कि देश के इस महत्वपूर्ण भूभाग में एक नई रोशनी, नए उजाले की शुरुआत हुई है। भाइयों और बहनों, आज का दिन उन हजारों शहीदों को याद करने का है जिन्होंने देश के लिए अपने कर्तव्य पथ पर जीवन बलिदान किया। आज का दिन बड़ोभा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, रूपनाथ ब्रह्मा जी जैसे यहां के सक्षम नेतृत्व के योगदान को याद करने का है, उनको नमन करने का है। आज का दिन इस समझौते के लिए बहुत सकारात्मक भूमिका निभाने वाले ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, उससे जुड़े तमाम युवा साथियों, बीटीसी के चीफ श्री हगरामा माहिलारे जी और असम सरकार की प्रतिबद्धता, आप सब न सिर्फ मेरी तरफ से अभिनंदन के अधिकारी हैं लेकिन पूरे हिंदुस्तान की तरफ से अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज 130 करोड़ हिंदुस्तानी आपको बधाई दे रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। साथियों, आज का दिन आप सभी बोडो साथियों का इस पूरे क्षेत्र, हर समाज और यहां के गुरुओं, बौद्धिकजनों, कला साहित्यकारों के प्रयासों को सेलिब्रेट।